भारतीय महिला हॉकी टीम ने 41 वर्षों में पहली बार ओलंपिक खेलों के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। शनिवार को भारत के सामने दो चुनौतियां थी। पहले तो उसे करो या मरो के मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को हराना था, फिर उम्मीद लगानी थी कि ग्रेट ब्रिटेन आयरलैंड को हरा दे। शायद 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की प्रार्थनाएं काम कर गई। अब क्वार्टर फाइनल में रानी रामपाल की टीम की टक्कर मजबूत ऑस्ट्रेलिया से होगी। इससे पहले स्ट्राइकर वंदना कटारिया की ऐतिहासिक हैट्रिक के दम पर भारत ने करो या मरो के मुकाबले में निचली रैंकिंग वाली दक्षिण अफ्रीका की टीम को 4-3 से हराकर टोक्यो ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश की उम्मीदें बरकरार रखी। वंदना ने 4th, 17th और 19th मिनट में गोल किया और ओलंपिक में इतिहास रच दिया। तो दोस्तों, भारतीय हॉकी टीम के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऑस्ट्रेलिया के साथ उनके अगले मैच के लिए कमेंट बॉक्स में बेस्ट ऑफ लक जरूर लिख देना।